हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न स्टूडेंट। आज के वीडियो हम डिस्कशन किए हैं टाइप्स ऑफ फ्लूड फ्लो के बारे में, मतलब द्रव प्रवाह का प्रकार, मतलब जो फ्लूड होते हैं, कोई लिक्विड होते हैं, कोई पानी होते हैं, आखिर में कितनी तरीके से बहते हैं। इस वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने डिस्कशन किया है। स्टूडेंट, अगर चैनल में नए आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों से जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, अगर ये टॉपिक समझ आते हैं तो। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर फ्लूड मैकेनिक एंड मशीनरी का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार यहाँ पे इसकी जो टाइप है, इसके छः टाइप हैं, या छः टाइप में से कोई एक टाइप 100% पूछती है। शॉर्ट नोट्स में आपको दोनों का डिफिनेशन और साथ में डायग्राम को जरूर ड्रॉ करके बतानी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो भी डिफिनेशन बताई है, अगर एक को याद कीजिएगा दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है, और काफ़ी सटीक भाषा में समझाने की कोशिश है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्टिंग से आपको समझाते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है अदर वीडियो की अपेक्षा, लेकिन आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी 100% मिलेगी, जो आपका जल्दी भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसकी जो टाइप होती है, स्टडी फ्लो एंड अनस्टडी फ्लो होता है, ठीक, मतलब दो इसकी पहला टाइप में आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में स्टडी फ्लो क्या होता है। स्टडी फ्लो का अगर हिंदी अर्थ देखिए तो गंभीर प्रवाह या अस्थिर प्रवाह बोल सकते हैं, मतलब गंभीरता साथ यहाँ पे फ्लो होना या अस्थिरता के साथ फ्लो होना, ठीक है, मतलब एक एक्यूरेट यहाँ पे फ्लो होना, ठीक है। यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिखी हुई क्या है कि इन दिस फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी प्रेशर डेंसिटी ईटीसी डज नॉट चेंज एट ए पॉइंट विथ टाइम, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये एक टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी प्रेशर डेंसिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जितनी है उतनी ही रहेगी टाइम के अनुसार। इसको समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पाइप है, अब इसके सहयोग से कोई भी फ्लूड यहाँ पे फ्लो हो रही है, ठीक है, फ्लूड फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अब क्या है कि फ्लूड फ्लो हो रही है, काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लो हो रही है। अब मान लीजिए एक पॉइंट की जगह, एक पॉइंट की जगह हम इसकी यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं इसकी वेलोसिटी को, ठीक है, या फिर आप इसके प्रेशर को या फिर डेंसिटी, तीनों में से कोई सी को भी मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट की जगह हमने इसको मेजरमेंट किया तो हमको क्या मिलती है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड मिलती है, ठीक है। फिर हम एक घंटे के बाद वही पाइप और वही पॉइंट पे जगह फिर मेजरमेंट करते हैं, मान ली फिर से हमने मेजरमेंट किया एक घंटा के बाद, ठीक है। तो अब हमको फिर से क्या मिली, सेम पैरामीटर मिली, मतलब हमको 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड फिर वेलोसिटी उतना ही मिली, ठीक है, मतलब एक घंटा बाद। फिर मान ली एक घंटा बाद फिर चेक करते हैं तो उतना ही मिली, तो मैं समय के साथ यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रही, इसकी जितनी वेलोसिटी, जितनी प्रेशर और जितनी डेंसिटी यहाँ पर पाइप में फ्लो हो रही है लिक्विड, उतना ही हमें चेक भी कर रहे हैं एक एक घंटा के बाद, दो दो घंटा के बाद, फिर भी उतना ही मिल रही है। तो उसको एक तरह का स्टडी फ्लो बोलेंगे, मतलब गंभीरता के साथ यहाँ पे एक क्या हो रही है कि इस वहाँ पे बह रही है, प्रवाह हो रही है एक अस्थिरता के साथ, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है इसमें समय के साथ, ठीक है, तो इसको स्टडी फ्लो बोलेंगे। अब अनस्टडी फ्लो किसको बोलेंगे, जो अगंभीरता के साथ फ्लो हो रही है या अस्थिरता के साथ फ्लो हो रही है, ठीक है, मतलब वहाँ पे समय के साथ चेंज बार बार हो रही है, इसमें चेंज नहीं हो रही, इसमें चेंज हो रही है। जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई इसकी डिफिनेशन, इन दिस फ्लूड फ्लो वेलोसिटी प्रेशर डेंसिटी ईटीसी चेंज एट ए पॉइंट विद टाइम, मतलब टाइम के अनुसार, जैसे कि कोई भी पाइप है, टाइम के अनुसार इसकी डेंसिटी वेलोसिटी और यहाँ पे इसकी जो प्रेशर है वो चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसको एक तरह का अनस्टडी फ्लो बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई पाइप है, कोई भी लिक्विड यहाँ पे फ्लो हो रही है, ठीक है, ठीक है। अब एक घंटे के बाद हम जब चेक करते हैं तो इसकी जो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पे इसकी जो पैरामीटर से मेजरमेंट किया, इसकी पैरामीटर यहाँ पे थी वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड थी यहाँ पे एक पॉइंट पे, ठीक है। फिर हमें एक घंटे के बाद यही पॉइंट पे जाकर मेजरमेंट किया तो हमको मिलती है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर एक घंटा बाद मेजरमेंट किया तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड मिलती है, मतलब घंटा के अनुसार, मतलब समय के अनुसार यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है वेलोसिटी में, प्रेशर में और डेंसिटी में, तो उसको एक तरह का अनस्टेडी फ्लो बोलेंगे, ठीक है। मुझे आशा है कि दोनों के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। और स्टडी फ्लो को भी एग्जाम्पल आपको देखा था, इसको क्या बोलेंगे, एक तरह का हम लोग स्टडी फ्लो बोलेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ फ्लो हो रही है, और अनस्टडी फ्लो भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे फ्लो हो रही है, ठीक है। आइए हम सेकेंड इसकी यहाँ पर टाइप समझते हैं। दूसरी इसकी टाइप है यूनिफॉर्म फ्लो एंड अ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म फ्लो मीन्स इसका हिंदी अर्थ देखते हैं एक समान प्रवाह, मतलब एक समान बहने की स्थिति को, ठीक है, उसको एक तरह का यूनिफॉर्म बोलेंगे। देखें यहाँ पर लिखी हुई क्या है कि द टाइप्स फ्लूड फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस
आइदर लेंथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई भी अगर पाइप है, कोई भी अगर पाइप है ठीक है, अब इसकी जो पाइप की जो लेंथ मान लीजिए कोई भी एल है, अब इसकी यहाँ पे जो चौड़ाई है, इसकी जो डायमेंशन है मान लीजिए डी है ठीक है, और कोई भी पाइप के सहयोग से लिक्विड जो फ्लो हो रही है, फ्लो हो रही है ठीक है। तो अब क्या है कि एक पॉइंट पे, मान लीजिए एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पे हम चेक करते हैं जहाँ पे इनलेट होती है, उसके थोड़ी से आगे हम चेक करते हैं पाइप में जब पानी घुसती है इनलेट की जगह, तो यहाँ पे एक पॉइंट में चेक करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलती है इसकी, यहाँ पे मान लीजिए वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड मिलती है ठीक है। अब फिर हम इसकी कुछ दूरी के बाद मान लीजिए एंड पोजीशन जहाँ पे आउटलेट हो रही है वहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आगे की छोड़ने के बाद बी पॉइंट में, तो वहाँ भी हमको क्या मिलती है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड मिलती है ठीक है। मतलब स्पेस के साथ कोई भी स्पेस के साथ एक डिस्टेंस के साथ कोई भी यहाँ पे पाइप में जो भी यहाँ पे प्रवाह हो रही है कोई लिक्विड वहाँ कोई चेंज नहीं हो रही है, तो उसको एक तरह का यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे ठीक है। इसमें क्या समय के साथ यहाँ पे क्या हो रही थी, मतलब एक एक घंटा में जब चेक कर रहे थे तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन हम वही एक मिनट में मान ली यहाँ चेक करते हैं तो अगले मिनट में यहाँ चेक करते हैं, मतलब एक ही मिनट में दोनों जगह मान ली चेक करते हैं दोनों जगह हमको एक ही यहाँ पे क्या मिलती है इसकी वेलोसिटी मिलती है, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं मिलती है तो स्पेस में ही पाइप में, तो हमें क्या मिलती है इसे हमें ये पता चलता है यूनिफॉर्म फ्लो है, मतलब एक समान है ठीक है। मतलब स्पेस के साथ कोई भी मान लीजिए यहीं पे चेक करते हैं सी पॉइंट में, यहाँ डी पॉइंट में, ई पॉइंट में, मतलब ई पाइप में जितनी भी लिक्विड फ्लो हो रही है हम कहीं भी अगर हम चेक करते हैं इसके पैरामीटर हमको 5 सेंटीमीटर पर सेकंड मिलती है कहीं भी ए बी सी डी ई, तो हमको क्या बोलेंगे सारा ये मतलब एक समान मिल रही है पाइप में जितनी भी स्पेस है और वहाँ पर जो लिक्विड फ्लो हो रही है तो उसको यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे ठीक है, उसकी उल्टा हो गई जस्ट कि द टाइप फ्लूड फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस लेंथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मतलब कोई भी पाइप में अगर मान लीजिए हम इनलेट की जगह हम यहाँ कोई भी लिक्विड यहाँ फ्लो हो रही है और इनलेट की जगह हम ए पॉइंट पे यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं तो हमको मिलती है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जस्ट थोड़ी सी इसकी डिस्टेंस आगे की ओर हम चेक करते हैं वही लोकेशन पे थोड़ी सी आगे की ओर लेकिन, तो यहाँ पे हमको मिलती है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर चेंज हो गई ठीक है, यहाँ पर थोड़ी चेंज हो गई। फिर थोड़ी आगे चेक करते हैं तो 3 सेंटीमीटर मिलती है, फिर आगे चेक करते हैं तो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड मिलती है, तो हमें इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है कि सडनली चेंज हो रही है, एक एक सेकंड में चेंज हो रही है ठीक है। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रही थी, एक एक सेकंड में चेंज नहीं हो रही थी ना 10 मिनट में चेंज हो रही थी ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है एक एक सेकंड में चेंज हो रही है, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ठीक है। देख सकते हैं किस तरह से, अब आपको इसका एग्जांपल आपको दिखा देते हैं ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल यूनिफॉर्म फ्लो इसको बोलेंगे, देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रही है एक समान बह रही है ठीक है, देख रहे हैं किस तरह से, और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो देखिए किस तरह से यहाँ पे फ्लो हो रही है ठीक है। देख आइए अब तीसरी इसकी टाइप समझते हैं लेमिनार फ्लो के बारे में, क्या आखिर लेमिनार फ्लो क्या है और इसकी लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या है ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये पूछती है ठीक है, हर बार यहाँ पे दोनों का डिफिनेशन पूछी देती है और साथ में डायग्राम यहाँ पे दर्शानी पड़ती है ठीक है। आइए समझते हैं, देख सकते हैं लेमिनार मीन्स होता है शांत प्रवाह ठीक है, शांति से बहना, और टर्बुलेंट मीन्स होता है अशांत प्रवाह, मतलब यहाँ पे लेमिनार में शांति से फ्लो हो रहा है उसको लेमिनार बोलेंगे, और तो हलचल मचाते हुए यहाँ पे फ्लो हो रही है उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे ठीक है। आइए इसकी डिफिनेशन देखते हैं लेमिनार फ्लो की लिखी हुई क्या है, द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूड पार्टिकल मूव इन लेयर एंड डज नॉट क्रॉस द पाथ ऑफ अदर पार्टिकल इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो। मतलब कोई भी अगर पाइप है और पाइप में लिक्विड फ्लो हो रही है और सीधा सीधी फ्लो हो रही है, आपस में कोई भी यहाँ पर लिक्विड क्रॉस नहीं कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रही है और एक दूसरे का पैरेलल यहाँ पे हो रही है, स्ट्रीम लाइन में हो रही है, तो उसको एक तरह का लेमिनार फ्लो बोलेंगे ठीक है। मतलब यहाँ से जितनी यहाँ पे लिक्विड यहाँ इनलेट से जा रही है उतनी आउटलेट से बाहर निकल रही है, और बाहर में काफ़ी स्मूथली लग रही है, देखिए स्मूथली मतलब ऐसे लगेगा सॉलिड के फॉर्म में है ठीक है, तो उसको एक तरह का लेमिनार फ्लो हम बोलेंगे ठीक है। देख सकते हैं किस तरह से है, मैंने सीधे सीधे फ्लो होना उसको एक तरह का लेमिनार फ्लो बोलते हैं ठीक है। आइए टर्बुलेंट फ्लो को देखते हैं, टर्बुलेंट मीन्स होता है अशांत प्रवाह ठीक है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा फ्लो होना, उसमें यही चीज लिखी हुई है क्या, द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूड पार्टिकल मूव इन क्रॉस पाथ ऑफ अदर पार्टिकल इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। मतलब ये पाइप है, पाइप से कोई भी लिक्विड यहाँ इनलेट से जा रही है ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है, मतलब छुतबुदार रही है, तो उसको एक तरह का क्या बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे, मतलब टेढ़ा मेढ़ा फ्लो होना ठीक है। यहाँ पे जिसकी इसकी मान ली कोई पैरामीटर को मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ अलग आएगी, यहाँ अलग आएगी, कभी ज़्यादा आएगी कभी कम आएगी,
तो उसको एक तरह का टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे और टेढ़ा मेढ़ा इसको फ्लो होना। देखिए दोनों को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए इसको क्या बोलेंगे हम, एक तरह का लेमिनार फ्लो बोलेंगे। देखिए कितनी स्मूथली यहाँ पे फ्लो हो रही है, ठीक है। और इसको एक तरह का टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। देख सकते हैं किस तरह से आपको नजर आ रही है, ठीक है। आइए इसकी फोर्थ टाइप समझते हैं, जिसको एक तरह का कंप्रेसिबल फ्लो और इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोलते हैं। कंप्रेसिबल मीन्स होता है दबाव प्रवाह और इन कंप्रेशन में होता है अदबाव प्रवाह, ठीक है। तो समझते हैं, देखिए इसकी डिफिनेशन लिखी हुई क्या है कंप्रेसिबल फ्लो का, कि द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द डेंसिटी ऑफ फ्लूड चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट नॉन एज कंप्रेसिबल फ्लो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर पाइप है, मान लीजिए कोई पाइप है, थोड़ी सी मुड़ी हुई पाइप है, अब यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे कोई भी लिक्विड यहाँ पे फ्लो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है कि हम इसकी अगर डेंसिटी यहाँ से मेजरमेंट करते हैं, ए पॉइंट पे जगह इसकी डेंसिटी यहाँ पे गहराई को मेजरमेंट करते हैं, तो यहाँ पे हमको कुछ अलग मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी सी मुड़ी हुई, और इसकी यहाँ पर डेंसिटी या मेजरमेंट करते हैं तो अलग मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी कि यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे इसकी डेंसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो उसको एक तरह क्या बोलेंगे हम, कंप्रेसिबल फ्लो बोलेंगे। मतलब कंप्रेस हो जा रही है लिक्विड यहाँ पे, ठीक है। उसके कारण क्या होगी, इसकी डेंसिटी में यहाँ पे देखने को अंतर मिलती है, ठीक है। मतलब वेरिएबल मिलती है, हर पॉइंट पे इसका अलग अलग डेंसिटी है, पॉइंट बाय पॉइंट चेंज हो रही है इसकी डेंसिटी। यहाँ डेंसिटी चेंज होगी उसको एक तरह का कंप्रेसिबल फ्लो बोलेंगे, ठीक है। मतलब रो इज इक्वल टू वेरिएबल, मतलब यहाँ पे डेंसिटी इसकी हर टाइम वेरिएबल हो रही है, मतलब अलग अलग चेंज हो रही है। इनकम्प्रेसिबल में क्या होगी, जस्ट इसका ओपोजिट हो जाएगा, टाइप ऑफ फ्लो इन विच द डेंसिटी ऑफ फ्लूड डज नॉट चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट नॉन एज इनकम्प्रेसिबल फ्लो। मतलब कोई भी अगर पाइप के सहयोग से कोई लिक्विड यहाँ फ्लो हो रही है, और ठीक है उसमें कोई भी यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट उसकी डेंसिटी में चेंज नहीं हो रही है। अगर ए पॉइंट में अगर मेजरमेंट किए तो उतना ही डेंसिटी है, बी में किए उतना ही है, सी में किए उतना ही है, इसकी डेंसिटी इसकी उतना ही है, तो उसको क्या बोलेंगे, रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब कोई भी यहाँ परिवर्तन नहीं हो रही है, उसको इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोलेंगे, ठीक है। इसकी डेंसिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं है, स्मूथली यहाँ पे फ्लो हो रही है, ठीक है। अब इसकी हम लोग फिफ्थ टाइप समझते हैं, ठीक है। लिखी हुई क्या है, रोटेशनल फ्लो और ई रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल में होता है घूर्ण प्रवाह, और ई रोटेशनल में होता है गतिहीन प्रवाह, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि रोटेशनल प्रवाह में क्या होता है, मतलब इसकी डिफिनेशन क्या लिखी हुई। लिखी हुई क्या है कि व्हेन द फ्लूइड पार्टिकल फ्लोइंग अलोंग स्ट्रीम लाइन एंड रोटेट अबाउट देयर ऑन एक्सिस नॉन एज रोटेशनल फ्लो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर यहाँ पे लिक्विड है, मान ली नल है, नल के सहयोग से कोई लिक्विड को हम यहाँ पे खोलते हैं, तो यहाँ क्या होती है, नीचे को लिक्विड बहेगी। और मान ली नीचे बेसिन है, ठीक है, बेसिन में क्या होगी कि पानी यहाँ पे क्या होगी कि सीधे सीधे यहाँ पे क्या हो रही है, एक तो स्ट्रीम लाइन में आते हुए फिर अपने एक्सिस पे घूमते हुए पानी नीचे की ओर चली जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल फ्लो। मतलब घूमते हुए सीधे सीधे यहाँ पे आई, फिर घूमते हुए यहाँ पे लिक्विड अपने एक्सिस के ऊपर अपने इनलेट से आई, अब आउटलेट में निकल गई, तो उसको एक तरह क्या बोलेंगे, रोटेशनल फ्लो बोलेंगे। देख सकते हैं ठीक है, इसका वीडियो देखिएगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा। इसके एग्जांपल देख सकते हैं किस तरह से पानी नीचे की ओर आ रही है, रोटेशन करते हुए नीचे की ओर चली जा रही है, ठीक है। आप समझते हैं आखिर में ई रोटेशनल फ्लो, मतलब जिसको गतिहीन प्रवाह बोलते हैं, ठीक है। देख सकते हैं इसकी यहाँ पे लिखी हुई डिफिनेशन, व्हेन द फ्लूइड पार्टिकल फ्लोइंग अलोंग स्ट्रीम लाइन एंड डज नॉट रोटेट अबाउट ऑन एक्सिस नॉन एज ई रोटेशनल फ्लो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान ली नल से कोई पानी को खोलते हैं और स्ट्रीम लाइन में सीधा सीधी वो आती है, और सीधा सीधी आने के बाद क्या होती है कि यहाँ पे अपने एक्सिस पे रोटेशन नहीं करते हुए, अलग अलग एक्सिस पे रोटेशन करते हुए यहाँ पे इनलेट से आउटलेट की ओर निकल जाती है, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में भी, तो उसको एक तरह का ई रोटेशनल फ्लो बोलेंगे, ठीक है। दोनों वीडियो को साथ देखिए तो आपको समझ में आएगी। देखिए इसमें किस तरह से यहाँ पे सीधा सीधी आई, फिर अपने एक्सिस पर रोटेशन करते हुए निकल के, उसको रोटेशनल फ्लो बोलेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि तिरछा मिर्छा रोटेशन कर रही है, अपने ऑन एक्सिस पर रोटेशन नहीं कर रही है, ठीक है, तो उसको ई रोटेशनल बोलेंगे, ठीक है। आइए अब लास्ट पॉइंट समझते हैं इसके, लास्ट टाइप इसके, कि आखिर में लास्ट टाइप में क्या लिखी हुई है। लिखी हुई क्या है कि 1, 2, 3 डायमेंशनल फ्लो। मतलब यहाँ पे कहने मतलब है 1, 2 और 3 आयामी प्रवाह। मतलब इसकी जो डायमेंशन है अलग अलग है, तीन वो डायमेंशन से फ्लो होगी, तो उसको 1, 2, 3 डायमेंशन फ्लो बोलेंगे, ठीक है। यहाँ इसकी डिफिनेशन लिखी हुई क्या है कि टर्म 1, 2 और 3 डायमेंशनल फ्लो रेफर टू द नंबर ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेटेड रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब ए फ्लो। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी अगर स्पेस यहाँ पे मिलती है, नंबर ऑफ स्पेस के अनुसार वो फ्लो हो रही है, ठीक है, तो वो फ्लो को हम लोग 1, 2, 3 डायमेंशन फ्लो बोलेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से समझते हैं कि 1 डायमेंशन किसको बोलेंगे, ठीक है, 1 डायमेंशन किसको बोलेंगे फ्लो को।
वन डायमेंशन फ्लो देखिए लिखी हुई क्या है, मैं एग्जांपल के सहित आपको समझा के बताई है कि द फ्लो इन ए पाइप इज कंसिडर्ड वन डायमेंशन। ठीक है, अगर कोई भी अगर पाइप है, मान लीजिए कोई यहाँ से पाइप है, अब एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लो हो रही है, लेंथ में यहाँ पे फ्लो हो रही है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक तरह वन डायमेंशनल फ्लो बोलेंगे। ठीक है, एक पाइप में डायरेक्टली यहाँ पे फ्लो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ टू डायमेंशनल फ्लो किसको बोलेंगे, लिखी हुई क्या है, द फ्लो ऑफ वाटर या फ्लूड इन टू डायमेंशनल इंड्यूस लेंथ और विड्थ। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नाला है, नाला में क्या है, कोई भी लिक्विड यहाँ फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे एक तो इसकी क्या मिल गई, लेंथ मिल गई इसकी, ठीक है, यहाँ से लेंथ मिल गई, और नाला में कुछ रेक्टेंगल शेप की बनी गई तो इसकी चौड़ाई भी मिल गई, विड्थ मिल गई, तो यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, और वहाँ से जो पानी इनलेट से आके आउटलेट की ओर बाहर निकल रही है उसको एक तरह का क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल फ्लो बोलेंगे। ठीक है, थ्री डायमेंशनल किसको बोलेंगे, लिखी हुई क्या है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर और फ्लूड इन ऑल थ्री डायमेंशन इंड्यूस डेप्थ विड्थ और यहाँ पे क्या होगी, इसकी लेंथ होगी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक तरह का थ्री डायमेंशन, मतलब तीनों डेप्थ भी हो मिलेगी, चौड़ाई भी मिलेगी और इसकी लंबाई मिलेगी। इसमें क्या, नाला में जो पानी भर रही थी टू डायमेंशनल में, उसकी जो यहाँ पे जो डेप्थ थी ना के बराबर थी, ना के बराबर थी, नेग्लिजिबल थी, इसी कारण इसको टू डायमेंशनल बोलेंगे, फर्स्ट डायमेंशन में सीधा सीधी। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, तो अब क्या यहाँ से कोई लिक्विड यहाँ फ्लो हो रही है, एक मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक तरह का क्यूबोर्ड है। ठीक है, तो क्यूबोर्ड से यहाँ से कोई भी पानी यहाँ पे फ्लो हो रही है, यहाँ फ्लो होगी तो इसकी में क्या मिलेगी, इसको लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या, यहाँ पे ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप की, तो चौड़ाई भी मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, चौड़ाई मिल जाएगी और नीचे की इसकी क्या डेप्थ मिलेगी, गहराई मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप की होने से क्या होगी, लेंथ मिलेगी, डेप्थ मिलेगी और विड्थ मिलेगी, मतलब चौड़ाई मिलेगी। ठीक है, तीनों चीज़ देखने को मिलता है तो उसको एक तरह क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल फ्लो बोलेंगे। ठीक है, सटीक सी भाषा में आपको ये लास्ट वाली समझाने की कोशिश की है। ठीक है, बाकी अदर वीडियो में अलग तरीका से समझाए हैं, मैं इसको काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये चीज़ का आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको टाइप्स ऑफ फ्लूड फ्लो के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने के थैंक यू, और चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हो, अपने दोस्तों साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कहीं भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका शॉर्ट वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा कि जल्दी से आपको वहाँ पर क्लियरफाई हो सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।